हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वप्निल लेके स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल वी आर आईएसओ में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो क्वालिटी से रिलेटेड है। खासकर यदि आप किसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हैं तो इन शब्दों को, इन वर्ड्स को आपने जरूर सुना होगा। आज हम उन वर्ड्स का, उन शब्दों का कुछ क्या मतलब होता है वो समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने एक वर्ड हमेशा सुना होगा एरर, ठीक। एक वर्ड आता है मिस्टेक और एक वर्ड आता है डिफेक्ट। कई दफा हमें यह समझने में बड़ी परेशानी हो जाती है कि ये क्या सेम है, और अगर ये सेम नहीं है तो इनमें डिफरेंस क्या है, इसको हम कैसे समझे कि ये क्या है और इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो आज हम आपको यही चीज समझाएंगे कि एरर क्या होता है, मिस्टेक क्या होता है, डिफेक्ट क्या होता है, ठीक। खासकर यदि आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हैं तो आप इन शब्दों के साथ गुजरते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं तो यह वर्ड आप जनरली सुनते हैं। और खासकर अगर आप सिक्स सिग्मा की बात कर रहे हो तो सिक्स सिग्मा में यह वर्ड अक्सर आपको सुनने को मिलते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम एरर से कि व्हाट इज एरर, एरर क्या है। अगर मैं इसकी बात करूं एरर, देखिए आपको इसमें सबसे पहले एक चीज समझना होगी कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक, यदि आप कोई प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को बनाते समय, ठीक, कुछ कंडीशंस होंगी जिन कंडीशंस को फुलफिल करने पर, जिन कंडीशंस को फॉलो करने पर आपका जो प्रोडक्ट है वो सही बनेगा, वो कंफर्मिंग प्रोडक्ट बनेगा। मतलब कुछ कंडीशंस होंगी, ठीक है, कुछ कंडीशंस होंगी जो रिक्वायर्ड होंगी, तो उन कंडीशंस के फुलफिल होने पर आपको कंफर्मिंग प्रोडक्ट मिलेगा या कंफर्मिटी वाला प्रोडक्ट मिलेगा। कंफर्मिटी प्रोडक्ट है ना, या कंफर्मिंग प्रोडक्ट आपको मिलता है, मतलब नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट नहीं होगा ये। यदि आप कंडीशंस जो है उनके अकॉर्डिंग, उनके हिसाब से अगर चीजें चल पड़ी तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा या जो आपकी प्रोसेस होगी वो कैसी होगी, जो कि आपको कंफर्मिंग प्रोडक्ट, जो कि आपको कंफर्मिटी वाला प्रोडक्ट देंगी। बात क्लियर है, थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं कि यहां पर मतलब क्या है, इन कंडीशंस का मतलब क्या है। जैसे आपसे यह कहा जा सकता है कि जो प्रोसेस हो रही है उस प्रोसेस में कुछ फिक्स टेम्परेचर है कि टेम्परेचर इतना ही होना चाहिए, प्लस माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, ठीक है। और जो स्पेशल है इसमें मान लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड की बात है, प्लस माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड का टॉलरेंस है। तो यह टेम्परेचर अगर होगा, यह कंडीशन अगर फॉलो होगी तो आपकी जो प्रोसेस है वो ओके होगी, प्रोसेस आपकी सही होगी, और जब प्रोसेस सही होगी तो प्रोडक्ट सही होगा। हो सकता है आपको यह कहा जाए कि इसमें प्रेशर जो है वो प्रेशर की कुछ बात कही जाए कि इतना पास्कल होना चाहिए, 5 पास्कल होना चाहिए, ठीक है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जब आप कुछ कंडीशंस फॉलो करते हैं तो आपकी जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुल होती है, ठीक है। और जब प्रोसेस सक्सेसफुल होती है तो आपको प्रोडक्ट कंफर्मिंग मिलता है, कंफर्मिंग प्रोडक्ट आपको मिलता है, क्लियर। तो कहने का अर्थ यह है कि जब कंडीशंस, जो नेसेसरी कंडीशंस है वो फॉलो होंगी तो प्रोसेस सक्सेसफुल होगी, और जब प्रोसेस सक्सेसफुल होगी तो कंफर्मिंग प्रोडक्ट मिलेगा। अब यह बात हमने क्यों कही, इसको समझिए। जब आप एरर को समझने जाते हैं या आप एरर को समझना चाहते हैं तो आपको यह चीज क्लियर होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि एरर यहीं से पैदा होता है। एरर को आइडेंटिफाई अगर करना है तो वो यहीं से आइडेंटिफाई होता है। और वो कैसे आइडेंटिफाई होता है, एरर के मामले में क्या चीज हो जाती है कि जो आपकी नेसेसरी कंडीशंस हैं, ठीक है, नेसेसरी कंडीशंस जो हैं आपकी, यदि ये नेसेसरी कंडीशंस जो हैं ये अगर आपने मैनेज नहीं करी या इनमें कुछ गलती हो गई या ये जो नेसेसरी कंडीशन है ये रॉन्ग हो गई या ये एब्सेंट हो गई, जो नेसेसरी कंडीशन है वो रॉन्ग हो जाए, वो गलत हो जाए या एब्सेंट हो जाए, तो आपका क्या होता है, आपकी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाती, वो फुलफिल नहीं हो पाती, प्रोसेस जो है आपकी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती, प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती। तो इस कंडीशन में, इस घटना को हम एरर कहते हैं। इस चीज को हम क्या कहते हैं, एरर। मतलब जब नेसेसरी कंडीशन गलत हो जाए या
हो ही ना, एब्सेंट हो जाए, ठीक है, तो प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं होती और इस चीज को हम एरर कहते हैं। जैसे हमने बात करी नेसेसरी कंडीशन थी टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर होना चाहिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। अब या तो यह गलत हो जाए, मतलब आपको 92-110 का टेम्परेचर चाहिए, मान लीजिए ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहा, तो ये जो नेसेसरी कंडीशन थी जो होना ही चाहिए थी, जब वो फुलफिल नहीं हुई, वो गलत हो गई, तो आपकी जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी और आपको नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट मिलेगा। इस चीज को क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। या ये हो जाए कि आपने टेम्परेचर दिया ही नहीं, टेम्परेचर एब्सेंट हो जाए, आपने टेम्परेचर ही नहीं दिया, तो क्या होगा, आपकी आपकी जो नेसेसरी कंडीशन है वो एब्सेंट हो गई और उसकी वजह से प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, तो इस चीज को कहते हैं एरर, ये चीज कहलाती है एरर, ठीक। अब हम बात करेंगे मिस्टेक की, कि मिस्टेक क्या होती है। अब देखिए मिस्टेक क्या होती है, मिस्टेक बेसिकली इज अ एक्चुअल कॉज, ये मुख्य कारण है जिसकी वजह से एरर आया था, मिस्टेक इज अ एक्चुअल कॉज, ठीक, ये एक्चुअल कॉज है, ये वो मुख्य कारण है जिसकी वजह से त्रुटि हुई या एरर आया, जिसकी वजह से आपने वो गलती कर दी, जो आपका जो नेसेसरी कंडीशन थी वो या तो एब्सेंट हो गई या रॉन्ग हो गई, वो क्यों हुई, इस मिस्टेक की वजह से, गलती से मिस्टेक हो गया, तो गलती से जब मिस्टेक हो जाती है तो एरर जनरेट होता है, तो ये वो एक्चुअल कॉज है, ठीक, जिसकी वजह से, जिसके कारण वो एरर आया, ठीक, मिस्टेक इज अ एक्चुअल कॉज। और अब बात करें अगर हम डिफेक्ट की, डिफेक्ट क्या होता है, तो डिफेक्ट क्या होता है, जब ये मिस्टेक हो जाती है ना, तो इसका जो रिजल्ट निकलता है वो डिफेक्ट के रूप में दिखता है, ठीक, डिफेक्ट इज अ रिजल्ट ऑफ मिस्टेक, रिजल्ट ऑफ मिस्टेक, जो आपने गलती करी, जो आपने मिस्टेक करी, उसका जो रिजल्ट आया वो डिफेक्ट के रूप में आपको नजर आया, ठीक है, तो ये एक्चुअल कॉज है, ये मुख्य कारण है, ठीक, जिसने एरर को पैदा किया, मतलब आपने क्या करा, आपने खटका ऑन नहीं किया, ये आपसे मिस्टेक हो गई, ठीक, तो टेम्परेचर नहीं पहुंचा, टेम्परेचर एब्सेंट हो गया, ठीक, मतलब वो एरर जनरेट हुआ, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, जो आपको प्रोडक्ट मिलना था वो नॉन कंफर्मिंग मिला, डिफेक्टिव मिला, उसमें डिफेक्ट आ गया, ठीक, तो ये होता है डिफेक्ट, रिजल्ट ऑफ मिस्टेक। तो यहां पे मुझे लगता है बात क्लियर हो गई होगी कि नेसेसरी कंडीशंस होती हैं, जब वो नेसेसरी कंडीशंस फुलफिल नहीं होती या रॉन्ग हो जाती है या वो छूट जाती है, एब्सेंट हो जाती है, तो हमारा प्रोसेस जो है वो करेक्ट नहीं हो पाती, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती, और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती तो हमें नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट मिलता है। इस इन नेसेसरी कंडीशन के रॉन्ग होने पर या एब्सेंट होने पर जो चीज हमें नजर आ रही है उसे हम एरर कहते हैं, ये एरर है, और ये एरर क्यों हुआ, इस मिस्टेक की वजह से, मिस्टेक इस कारण, ये एक्यूरेट कॉज है जिसकी वजह से एरर आया, और कारण क्या हो सकता है, मिस्टेक क्या है, कि आपने मिस्टेक क्या कर दी, आपने खटका ही ऑन नहीं किया, या जितना टेम्परेचर सेट करना था उतना आपने टेम्परेचर सेट नहीं किया, उसकी वजह से ये एरर आ गया, और फाइनल उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसका रिजल्ट आपको डिफेक्ट के रूप में दिखता है, कि वो जो प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे थे उसमें जिस चीज की आपको जरूरत थी, जिस चीज को टेम्परेचर के जरिए मेंटेन किया जाना था, जिस चीज को टेम्परेचर के जरिए तैयार किया जाना था, वो चीज आपको नहीं मिलेगी, वो डिफेक्ट वहां पर आपको नजर आएगा, और जब वो डिफेक्ट आपको नजर आता है तो आपका पीस डिफेक्टिव हो जाता है। तो हमेशा याद रखिए डिफेक्टिव हो जाता है पीस बिकॉज ऑफ डिफेक्ट, डिफेक्ट की वजह से पीस डिफेक्टिव हो जाता है। यहां पर एक चीज समझने लायक है, थोड़ा सा मैं आपको और चीज क्लियर करता हूं। देखिए हमेशा याद रखिए डिफेक्ट जो होते हैं वो डिफेक्टिव से ज्यादा होते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल एक पीस है, एक बॉटल आप बना रहे हैं सपोज, ठीक है, एक बॉटल आप बना रहे हैं, ठीक, एक बॉटल आप बनाने जा रहे हैं, वहां पे नेसेसरी कंडीशन है, मान लीजिए टेम्परेचर देना है, ठीक है, प्रेशर देना है, ठीक प्रोसेस में
आरपीएम को सेट करना है, ठीक है। अब इनकी वजह से आपको जब ये सारी चीजें ओके होंगी तो आपको कंफर्मिंग प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहां पे कुछ गलती हो गई, टेम्परेचर में एरर वाली बात हमने जो कही वो एरर आ गया, ठीक। एरर आने की वजह से क्या होगा, एक डिफेक्ट पैदा हो जाएगा। तो मान लीजिए डिफेक्ट टी कह दिया इसको, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से आया। दूसरी गलती आपसे यह हो सकती है कि आपने प्रेशर सही सेट नहीं किया, एरर आया प्रेशर की वजह से, ठीक है। प्रेशर गलत हो गया या प्रेशर सेट नहीं किया, तो ये इसकी वजह से एक और डिफेक्ट आया, ठीक। डिफेक्ट पी इसको हमने नाम दिया, ठीक है। आरपीएम सही सेट नहीं किया, इसकी वजह से एरर आया, ये एरर है अपने आप में, और इसकी वजह से जो आपको डिफेक्ट मिला, ठीक है, एक डिफेक्ट इसने जनरेट किया, डिफेक्ट आर। अब हो सकता है कि ये एक बॉटल आप बना रहे हैं और उस एक बॉटल में ये तीनों डिफेक्ट आ जाए, ठीक है, ये तीनों डिफेक्ट आ जाए, तो ये बॉटल जो है डिफेक्टिव हो जाएगी, ये बॉटल जो है डिफेक्टिव हो जाएगी, ठीक। नंबर ऑफ डिफेक्ट ज्यादा है, डिफेक्टिव बॉटल सिर्फ एक है, मतलब एक ही बॉटल में तीन डिफेक्ट आ गए। लेकिन ये भी हो सकता है कि एक ही बॉटल में सिर्फ एक ही डिफेक्ट आया टेम्परेचर की वजह से, ये बाकी दोनों चीजें सही रही, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन डिफेक्ट आने की वजह से वो डिफेक्ट आ गया, वो उस बॉटल में डिफेक्ट आ गया, तो वो जो बॉटल थी वो डिफेक्टिव हो गई। तो डिफेक्टिव बॉटल आपको मिल गई बिकॉज ऑफ ओनली वन डिफेक्ट, ठीक। तो डिफेक्ट हमेशा डिफेक्टिव से ज्यादा हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिफेक्टिव पीस होता है जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो डिफेक्टिव आपको नजर आता है। और डिफेक्ट क्या होते हैं, जो उस डिफेक्टिव पीस को बनाने के कारण होते हैं, जिनकी वजह से वो पीस डिफेक्टिव हो गया वो डिफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये चीज यहां पे आपको ध्यान रखने लायक है, ध्यान रखना चाहिए, कॉमन सेंस की बात है। तो ये चीजें थी, एरर, मिस्टेक, डिफेक्ट, और साथ ही साथ हमने डिफेक्टिव को भी समझ लिया, और डिफेक्ट और डिफेक्टिव में क्या फर्क होता है, और डिफेक्ट और डिफेक्टिव किस तरह से कोरिलेट करते हैं, उस चीज को भी हमने समझ लिया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को शेयर नहीं करते तो व्यूज नहीं आते तो फिर वीडियो बनाने का मन भी नहीं होता, फिर वीडियो बनाने का मन नहीं होता तो आप लोग कैसे वीडियो को नहीं बनाते, लेकिन कारण ये है। तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, हमारा एक आप चाहे तो थैंक्स का भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, आप हमें फाइनेंशियल हेल्प उस थैंक्स के जरिए भी कर सकते हैं, आपको वो चीज भी यहाँ पर अवेलेबल है। आज का वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।